एवरीवन, आप देख रहे हैं नीलम की रेसिपी और मैं हूं नीलम। तो आज मैं लेके आई हूं बिल्कुल इजी और ब्यूटीफुल थिन सैलड डेकोरेशन आप सभी के लिए। तो चलिए देखते हैं। मैंने छोटे छोटे वेजिटेबल कट करके बनाए हैं क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको बड़े बड़े सैलड के पीसेस पसंद नहीं है, तो इस वीक मैंने खास तौर से उनके लिए ये सैलड डेकोरेशन किए हैं। सभी को मेरा डेकोरेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आप सभी के लिए फिर से आज एक नया सा थिन सैलड डेकोरेशन है जिसे आप इंजॉय कीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। इस बार सब्जियों में मैंने बताया है जितने भी वेजिटेबल होते हैं सभी को छोटे छोटे सैलड कट करना, और ये सारे सैलड मैंने छोटे कट किए हैं क्योंकि मुझे खुद ही छोटे छोटे सैलड कट करना पसंद है। तो मैंने सोचा क्यों ना उन लोगों के लिए भी कुछ डेकोरेशन बताया जाए जो सैलड को बिल्कुल बारीक कट करके खाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए भी डेकोरेशन मैं इस बार लेके आई हूँ। और मुझे उम्मीद है कि ये आप सभी को बहुत पसंद आ रही होगी, और सभी जितने लोगों को पसंद आ रही होगी सभी प्लीज़ कॉमेंट करके मुझे बताइएगा। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना, और अगर हम मेहनत करते हैं तो हम चाहते हैं कि आप हमारे काम को सराहें, तो हमें और अच्छा लगता है। तो ये सारे डेकोरेशन आप जितने ही मेरी तारीफ़ करते हैं उतने ही मेरे दिमाग में आइडियाज़ आते रहते हैं और एक उत्साह रहता है कि मैं इस बार आप लोगों के लिए कुछ और नया लेके आऊँ। तो आप जितनी ही मेरी कमेंट्स आप मुझे बताएंगे, मेरे भावनाओं को आप बढ़ाएंगे, मेरे कमेंट पढ़ के और मेरे सैलड डेकोरेशन को सराहेंगे, मेरे दिमाग में आइडियाज़ उतने ही आने वाले हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग चाहते हैं कि आप लोग के लिए मैं नया नया डेकोरेशन लेके आऊँ, तो आप सभी को प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा इसी तरह, और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना के लेती आऊँ। तो चलिए एंजॉय कीजिए मेरे पूरे वीडियोस को। हाँ, जितने लोग भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, नहीं तो मेरे जितने भी वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएंगे और आप मिस कर देंगे लवली लवली सैलड को डेकोरेट करना। तो चलिए जल्दी से बेल आइकन हिट कर दीजिए, कॉमेंट करके या कुछ सुझाव हो तो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमी निकालने के बजाय अगर आप मुझसे बताएंगे, अपने फीलिंग को आप मेरे साथ शेयर करेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं हर किसी के पसंद को तो जानती नहीं किसको क्या पसंद है किसको क्या पसंद नहीं है, बट मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर किसी के पसंद की बनाऊं। हाँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉमेंट करके बता सकता है, मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूँगी। तो ये सारे डेकोरेशन उनके लिए है तो बहुत अच्छे लगे। हाँ, कुछ लोग हैं जो इतना बुरा बुरा कमेंट कर देते हैं किसी भी चीज़ पे, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर वो घर बैठे कमेंट इस तरह करते हैं। ये बात को ही बंद करते हैं और आप एकदम दिल से आप मेरे सैलड को एंजॉय कीजिए। कुछ भी कमी दिखे तो प्लीज़ आप मुझसे बताइए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपके बातों को सुनने के लिए समझने के लिए। तो चलिए एंजॉय कीजिए पूरे वीडियो को।
She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take.